शक्ति ये क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहा है? ये तेरी स्कूल यूनिफॉर्म है। शक्ति, ये पुलिस कलर है, मुझे इस कलर से नफरत है, मैं नहीं पहनूंगा। पर ऐसा क्यों? मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। हाँ, इसने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? मैं इस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाला? अरे शालम साहब, मैं तो आपका वॉचमैन हूँ साहब। अरे वो पुलिस वाला नहीं, वॉचमैन है। ये क्या ड्यूटी है, वॉचमैन की जगह जोकर बना के खड़ा कर दिया। मैं पायलट बनूंगा। और मैं डॉक्टर। और मैं इंजीनियर। मैं पापा से बनूंगा। मैं पुलिस वाला बनूंगा। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। पुलिस वाला है ये पहले बताना चाहिए ना। जरा देखो तो इसे, मुझ पर उंगली उठे तो ये हाथ काट डालता है। ये नाम और काम से मेरी शक्ति है, ये शिवा की शक्ति है। आज से ये मेरी परछाई बनेगा, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। अरे तू आराम से बैठ के क्यों नहीं खाता? माँ, ज्यादा बैठा तो आपकी तरह बन जाऊंगा। मतलब आपकी तरह सुंदर हो जाऊंगा। एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ ना। गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना। hey, अपने काम से मतलब रख समझे। पापा। मदर टेरेसा चैरिटी हॉस्पिटल गरीबों के इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन लगता है उसे मजबूरन बंद करना पड़ेगा। रायपुर का एक गुंडा जो मुन्ना के नाम से जाना जाता है, वो सालों तक जेल में था। एक दिन अचानक उसके आदमियों ने हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया। चल रहे, चल खाली करो। पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो हॉस्पिटल में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सोचना तो दूर, मैं बोल भी नहीं सकती। पुलिस को नहीं बताया? कोशिश तो की। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। पापा। कुमार सुन, इसी वक्त मदर टेरेसा हॉस्पिटल में अपने आदमी भेज। कुमार के आदमियों को उसने पीट दिया, अब क्या अपने आदमी भेजूंगा? हेलो, क्या भाई? सुना है तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डॉन है। अब तक था, लेकिन अब तेरा बाप यहाँ आ गया। तेरे लिए तो बेहतर है कि तू अपने बीवी के पल्लू में छुप जा। मुन्ना, रायपुर का मुन्ना, अपन का नाम सुनते ही लोगों के पैंड गीली हो जाती है। पुलिस को भगाया, आदमियों के धज्जियां उड़ाई। तुझे तो शर्म से चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। अरे कहीं तू आजमगढ़ से भाग तो नहीं गया?
पैर पड़ ले माफ कर दूंगा। हेलो 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 सुन, शेर की खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता। तेरे पापों की सजा देने के लिए असली शेर आ चुका है। मेरा शक्ति शक्ति है भाई, ये यहाँ बहुत फेमस है, हीरो है यहाँ का। कौन है रे तू? हीरो? कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता। और ये शेर मारता कम है और घसीटता ज्यादा। आने के बाद लोग या तो ठीक हो जाते हैं या फिर सीधे मुर्दा घर जाते हैं। तू फैसला कर, तू कहां जाना चाहता है? बेटा, तुम्हारे जैसा एक भी अच्छा आदमी आ जाए तो सारे अपराधी खत्म हो जाएं। इसकी तो ए सफेद बाल की दुकान इधर आ। क्या नया आया है क्या? क्या बोला था तूने? तुम एक अच्छे आदमी हो। तूने मुझे क्या समाज सुधारक समझा है? जुर्म तो होंगे और होने भी चाहिए, पर उसे करने का लाइसेंस सिर्फ अपुन के पास है। लाख टके की बात है बेटा। है?
खाना बहुत बढ़िया बना है। अरे मुझे क्यों दे रही हो, शक्ति को दो ना। अरे ये उसे बहुत पसंद है। माँ बस खा ले खा ले। अरे इतना खाऊंगा तो पेट फट जाएगा मेरा। अरे खा ले बेटा। माँ थोड़ा बच गया हो तो मुझे अरे, दे दो। मेरी थाली में से ले ले। छोटे बच्चे की तरह खाता है। एयरपोर्ट से सीधा मालिक को मिले आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये पकड़ो। कैसे हो हरी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं। बस ठीक हूँ। क्या हाल है हरी? बहुत बढ़िया। भाई वहाँ है। नमस्ते। ओ मिनिस्टर साहब, आप ही की तो मेहरबानी है। जाओ खाना खा लो। जी। हे शक्ति, बिरयानी बनी है। मिनिस्टर साहब, कुर्ता पजामा क्या धोने के लिए डाला है? अरे अपने लिए यही ठीक है। पैजामे का नाड़ा इधर उधर हुआ ना तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अरे माँ जी अरे, नमस्ते। मैं तुम्हें क्या कहूँ, हरी या मिनिस्टर हरी? आपको जो भी अच्छा लगे। माँ जी जल्दी खाना परोसिए ना, बहुत भूख लगी है। शक्ति, मेरी शक्ति। मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति शक्ति। कौन है वे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है? गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउज आई लुक्स? मैं तो चला लगता हूँ एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीरहरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोश तक नहीं आ सकती। साले तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? कल रात मेरे सपने में रागिनी आई थी, सनी डे में मेरे साथ एमएमएस एमएमएस खेल रही थी। ए रुक रुक रुक। चिका ढिक चिका ढिक चिका। क्या रे ट्रिपल सी था? अपने बाप का रोड समझाए क्या? चलो उतरो, फाइन भरना पड़ेगा। खाकी वर्दी दिख गई, अब यहाँ जरूर भूचाल आएगा। मैडम मैडम कुछ। अरे कुछ नहीं सुनना हमें, 500 तो देना पड़ेगा। निकालो। क्या ढूंढ रहे हो? पत्थर चाहिए? मैं देता हूँ ना। 100 की जगह 200। तो क्या? बस इतने ही मिले। सिलेक्ट वन। नो 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 नो। तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं मानने वाले। फाइन। है गुलशन, भाभी के लिए परफेक्ट सिलेक्शन। बेशरम रिश्वत ले रही हो खुलेआम, शर्म नहीं आती? तुम में और एक भिखारी में कोई फर्क है या नहीं? हाँ? शाबाश।
तुमने ही पुलिस का नाम खराब कर रखा है। अबे ये मेरी भाभी बनने के लायक नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। तेरे लिए कुर्बानी दे दूंगा। मिस्टेक हो तो वार्निंग दे दो, माफ करके उसे जाने दो। इस तरह तंग क्यों करना? पतली कमर, पाली उमर, तिरछी नजर, वाह क्या बात है, मैं तो कवि हो गया, कवि। आज कैमरा काम आ गया, भाभी को फोकस करके खुद आउट ऑफ फोकस हो गया। लेफ्ट वाले को भी थोड़ा फोकस में लेना, मेरा भी भला हो जाए। बुलेट पे ध्यान दे। कैसी लगी? सुपर। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। मेरी और मेरी माँ की चॉइस सेम है। रंग कितना सुंदर है। हाँ। बहुत बढ़िया स्कूटर है। आप किसे देख रही थी? स्कूटर को। आप बिना क्या आप ये नहीं चाहती कि कोई इस घर में आकर के चिराग जलाए? जला ले। देख, देख, अरे, मेरी फीलिंग समझा? नहीं समझा? कैसे समझाऊं? बाहर से एकदम गर्म और अंदर से बिल्कुल ठंडा। अब भी नहीं समझा क्या? इसे कैसे समझाऊं? यस। ये है ठंडा। ये क्या कर रहा है? कॉफी दे, कॉफी दे। और ये है गर्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अब जा करके तू मेरी फीलिंग समझेगा। चलता हूँ। ये लड़की शोला भी है और शबनम भी। हाँ? वाह, तुम्हें ये सुंदर लगी? पहले तो मेरी तारीफ करते थे। करता था, लेकिन तब तक मैं इससे मिला नहीं था ना। झूठ कहा था तुमने। पापा! ये तो भड़क गई। देखिए, देखिए ना पापा, देखिए तो जरा, लोगों को पुलिस वाले पीटते हैं, पर इस लड़की ने पुलिस वाले को पीट दिया। क्या धुलाई की है। कान खोल कर सुन, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। आप छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। आपकी उम्र जो हो गई है। मेरी उम्र हो गई? अच्छा। अपने धंधे में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। ए, विजय, मेरी फीलिंग समझाया, फिर से समझाऊं?